आज की इस वीडियो में हम पटियाला सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करने वाले हैं तो इसके लिए यहाँ पर हमने ये तीन मीटर कपड़ा लिया है सबसे पहले हम सलवार के लिए पार्ट की कटिंग करेंगे जिसे कुंदे भी कहते हैं तो ये हमने लंबाई की तरफ से इसे इस तरह से फोल्ड करके रख दिया है इसे बराबर से पकड़ के रखेंगे इसका ओपन वाला साइड हमने अपनी तरफ रखा है और अब यहाँ से हम इसे एक बार और इस तरह से फोल्ड करेंगे मोरी की गोलाई हमारे पास है तेरह इंच तो इसे हम इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे साढ़े छः इंच पर तेरह का आधा हो गया सिक्स पॉइंट फाइव इंच तो यहाँ से हम इसे बराबर से सिक्स पॉइंट फाइव इंच पर फोल्ड करके रखेंगे तो ये हमने बराबर से 6.5 इंच पर इसे फोल्ड करके रख दिया है अब यहां से नीचे की तरफ से जो अनिवन फैब्रिक है इसे हम कट करके अलग कर देंगे यहां से। अब यहां से हम पार्ट की कटिंग कर लेते हैं तो ऊपर की तरफ हमारा 5 इंच का बेल्ट आ जाएगा तो 5 इंच ऊपर की तरफ इंच टेप को निकाल के रखेंगे और सलवार की जो हमारे पास तैयार लेंथ है वहाँ तक हम निशान लगाएंगे तो हमारे पास सलवार की टोटल लेंथ है थर्टी एट इंच तो यहाँ से पाँच इंच ऊपर की तरफ निकाल के रखा हमने और थर्टी एट इंच पर हम निशान लगा लेते हैं यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं और अब यहां से हम पार्ट की कटिंग कर लेते हैं तो यहां से आगे तक कट कर लेते हैं इसे और यहां से जो हमने फोल्ड करके रखा है फैब्रिक को इसे हम कट कर लेते हैं ये हमने पार्ट की कटिंग कर ली है तो ये हमारे पास दोनों साइड के लिए हमने दो पार्ट कट कर लिए हैं और अब साइड से हमारे पास जो कपड़ा बचा है इसमें से आप चाहें तो बेल्ट निकाल सकते हैं या फिर सलवार की जब हम मोरी तैयार करेंगे बुकरम पट्टी लगा के तो उसमें हम इस कपड़े का यूज़ कर लेंगे तो इसे हम साइड में रख देते हैं अब बचे हुए कपड़े में से हम कलियां कट कर लेते हैं तो इसे हमें इस तरह से डबल फोल्ड करके रखेंगे इसे इसे हम बराबर से सेट करके रख देते हैं सलवटें निकाल कर अब यहां से हम इस पर पांच इंच ऊपर की तरफ इंच टेप को निकाल कर रखेंगे और लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे पांच इंच का हमारा बेल्ट आएगा ऊपर की तरफ तो यहाँ से हम बराबर से थर्टी एट इंच पर निशान लगा देते हैं और अब यहाँ से हम दो इंच पर निशान लगाएंगे तो ये हमने निशान लगा दिया है अब दूसरे साइड भी हमें निशान लगाना है तो यहाँ से इस साइड अब हम लेंथ की मार्किंग जो है वो हम यहाँ से करेंगे इस साइड से हमें करना है तो यहाँ से भी पांच इंच ऊपर की तरफ इन स्टिप को निकाल के रख दिया है हमने और निशान लगाएंगे थर्टी एट इंच पर और यहाँ से भी हम दो इंच पर निशान लगाएंगे सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से अब यहाँ पर जो हमने मार्किंग करी है इन दोनों निशानों को हमें मिलाना है लाइन ड्रॉ करके तो कपड़े को हम थोड़ा सा तिरछा कर लेते हैं जिससे कि आपको दोनों निशान दिखाई दें देखिए ये निशान वाला निशान और ये वाला निशान इन दोनों निशानों को हमें इस तरह से इंच टेप से मिलाकर लाइन ड्रॉ करके मिलाना है तो ये हमने मार्किंग कर ली है अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं तो जिस तरह से हमने निशान लगाया है उसी तरह से हम इसे कट कर लेते हैं तो ये हमने कट कर लिया है इसे और साइड से जो कपड़ा ये जुड़ा हुआ है इसे भी हम कट कर लेते हैं तो ये हमने चार कलियां कट कर ली हैं दोनों साइड के लिए और ये हमारा पार्ट भी हमने कट कर लिया है और इस कपड़े से आप चाहे तो बेल्ट बना सकते हैं या फिर मोरी बना सकते हैं अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो देखिए हमने बेल्ट कुर्ती के कपड़े से निकाल लिया क्योंकि वो कपड़ा हमारा कम पड़ रहा था थोड़ा सा तो उसे हम मोरी बनाने में यूज़ कर लेंगे तो यहाँ पर हमने आठ इंची चौड़ा कपड़ा कट करा है बेल्ट की गोलाई हमारे पास है छत्तीस इंच तो यहाँ पर हमने आधा इंची एक्स्ट्रा कट करा है डबल फोल्ड करके रखा अठारह का डबल हो गया छत्तीस और साढ़े अठारह पे हमने इसे कट कर लिया है और ये हमने सिलाई लगाकर बेल्ट को तैयार कर लिया ऊपर की तरफ नाड़ा डालने के लिए हमने यहाँ पर केसिंग बना ली है अब हम पार्ट के साथ में कलियाँ जोड़ लेते हैं तो ये हमारा एक पार्ट हो गया है इसके दोनों साइड हमें एक एक कली जोड़नी है तो इस तरह से पकड़ेंगे और एक कली इसके साथ में स्टेच कर लेते हैं ये हमने एक साइड एक कली जोड़ ली है अब इस पार्ट के दूसरे साइड हम दूसरी कली जोड़ लेते हैं इसी तरह से हम दूसरा पीस भी तैयार करेंगे दूसरे पार्ट के साथ में भी हम दोनों साइड दोनों कलियाँ जोड़ लेंगे तो देखिए हमने यहाँ पर ये यह पार्ट के साथ में दोनों कलियाँ हमने जोड़ ली हैं ये बीच में हमारा पार्ट है दोनों साइड कलियाँ हैं इसी तरह से हमने दूसरा पीस भी स्टेज करके तैयार कर लिया है ये हमारा दूसरा पीस है अब इन दोनों पीस को हम आसन की तरफ से जोड़ लगाएंगे तो दोनों के सीधे साइड हम एक दूसरे की तरफ करके रखेंगे और यहाँ से हम आसन पर सिलाई लगा लेते हैं दूसरे साइड भी इसी तरह से आसन पर सिलाई लगाकर जोड़ लगा लेते हैं ये हमने दोनों साइड आसन की सिलाई लगा ली है अब यहाँ पर ये हमने आसन लिया तो इसे हम आ, बैक साइड रख लेते हैं तो बैक साइड में हमें दो प्लीट्स डालनी है तो यहाँ पर आसन को सेंटर में रखते हुए आसन के दोनों साइड हम बड़ी बड़ी प्लीट्स डाल लेते हैं तो यहाँ पर ढाई से तीन इंची चौड़ी आप ये प्लीट्स डाल सकते हैं तो प्लीट्स डालकर पहले हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं तो बैक साइड में हम पहले ये प्लीट्स डाल लेते हैं और दूसरी प्लीट्स इस तरह से आएगी आसन की तरफ मुँह करते हुए इन प्लीट्स को हम इस तरह से स्टिच कर लेते हैं तो ये हमने बैक साइड में प्लीट्स डाल ली हैं। ये हमारा बेल्ट है जो हमने तैयार करा था पहले ही तो ये आगे वाला साइड है यहां से नाड़ा निकलेगा तो यहाँ से हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर कट लगा कर मार्किंग कर लेते हैं तो ये पीछे वाला साइड हो गया यहाँ पर कट लगाया यहाँ पर और ये जो आगे वाला साइड है यहाँ तो यहाँ से हम इस पर दस इंच पर निशान लगाएंगे तो इतनी दूरी में हमें प्लीट्स डालनी है फ्रंट साइड में दोनों साइड मार्किंग कर लेते हैं अब हम बेल्ट को सलवार के साथ में सिलेंगे तो ये हमारा पीछे वाला आसन है और यहाँ पर जो हमने कट लगा कर मार्किंग करी थी ये हमारा पीछे वाला साइड हो गया बेल्ट का दोनों को मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे और इस पर हम सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पर जहाँ तक हमने मार्किंग करी थी यहाँ तक हम इस पर सीधी सिलाई लगा लेते हैं तो यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली जहाँ पर मार्किंग करी थी और इसके आगे की तरफ जो सलवार का कपड़ा रह गया हमारा यहाँ से लेके आगे वाले आसन तक इतना कपड़ा जो है इसमें हमें प्लीट्स डालते हुए इसे बेल्ट के साथ में स्टिच करना है तो यहां से हम इसमें बड़ी-बड़ी प्लीट्स डालकर इसे बेल्ट के साथ में स्टिच करेंगे। और ध्यान रखिए जो प्लीट्स हम डाल रहे हैं वो तो आगे वाले आसन की तरफ प्लीट्स का मुंह रहना चाहिए इस तरह से हम बड़ी बड़ी प्लीट्स डालते हुए इसे बेल्ट के साथ में स्टिच कर लेते हैं तो आसन तक हम इसे एक बार एक साइड से सील लेते हैं तो देखिए यहाँ पर ये हमारा आगे वाला आसन की सिलाई आ गई यहाँ पर तो यहाँ तक हमने प्लीट्स डालते हुए एक साइड से इसे यहाँ तक हमने बेल्ट के साथ में इसे स्टिच कर लिया है दोनों की जो सिलाई है बेल्ट की और सलवार की से मिलाते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है तो देखिए हमने ये एक साइड की प्लीट्स डालते हुए हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है अब इसी तरह से हमें दूसरे साइड भी सिलाई लगानी है तो इस बार जो हम प्लीट्स डालेंगे उसके मुँह हम इस तरफ रखेंगे आसन की तरफ तो अपोजिट डायरेक्शन में हमें ये प्लीट्स डालनी है तो इस तरह से आसन की तरफ करते हुए हमें ये प्लीट्स डालते हुए इसके ऊपर सिलाई लगानी है देखिए हमने दोनों साइड प्लीट्स डालते हुए इसे बेल्ट के साथ में स्टिच कर लिया है और ये हमारी सलवार का बैक साइड हो गया यहाँ पर हमने दो प्लीट्स पहले से ही डाल लिए थे और सलवार की मोरी भी हमने बनाकर तैयार कर ली है बुकरम पट्टी से अब हम सलवार के अंदर की सिलाई लगा लेते हैं यहाँ पर दोनों पैरों की तरफ से हम सिलाई लगा लेते हैं तो यहाँ पर हमने मोरी की गोलाई जो रखी थी साढ़े छः इंच उस पर निशान लगाएंगे और यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देते हैं और यहाँ से भी हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं ये हमने एक पैर की सिलाई लगा ली है अब दूसरे पैर की साइड भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेते हैं यहाँ पर भी हम साढ़े छः इंच पर निशान लगाएंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और यहाँ से हम सिलाई लगा लेते हैं यह हमने दोनों साइड से सिलाई लगा ली है और ये हमारी पटियाला सलवार बनकर तैयार हो गई है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा